राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु पहुंचे तो सब उन्हें देखकर रोमांचित हो उठे, सबका मोह जाग गया, किंतु भगवान बुद्ध विचलित नहीं हुए, वो तटस्थ बने रहे और उसके बाद वो दूसरे नगर के लिए चल दिए। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है जेतवन। कपिल वस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत के राज्य कोसल देश की ओर प्रस्थान किया। श्रावस्ती पहुंचकर वे जेतवन पहुंचे, जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जेतवन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कोसल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शनों के लिए जेतवन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुनि, कोसल वासियों का ये परम सौभाग्य है कि आप यहां पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से ये वन पवित्र हो गया है। आप यहां सुखपूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। प्रसेनजीत की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजर्षि, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी साधुओं में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्जवल यश की कामना करते हैं तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित न कीजिए, पापियों की संगति त्याग कर सुमार्ग का अनुसरण कीजिए। तथागत ने प्रसेनजीत को अनेक उपदेश दिए और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजीत को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। प्रसेनजीत को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साधुओं ने राजा के तत्व बोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करें। राजा प्रसेनजीत की प्रार्थना सुनकर तथागत ने साधुओं की शंकाओं का समाधान किया। सभी साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहण की। कोसल से तथागत राजगृह आए। उन्होंने वहां ज्योतिष्क, जीवक, शूर, श्रोण
अंगद आदि को उपदेश दिए और उन्हें अपने संघ में दीक्षित किया। राजगृह से तथागत गांधार देश गए। वहां पुष्कर नाम का राजा राज करता था। पुष्कर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदय हुआ। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया। गांधार देश से वे विपुल पर्वत पर आए और वहां हेमवत और साताग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिए। वहां से वे जीवक के आम्र वन में आए और विश्राम किया। वहां से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रमण करते हुए आपण नगर पहुंचे। वहीं क्रूर कर्मों में लगे अंगुलीमाल को अपने धर्म में दीक्षित किया और उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद वे वाराणसी आए, जहां असित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यु से पहले असित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे, अतः कात्यायन ने भगवान बुद्ध के वहां आने पर सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के कारण वो ध्यान और संयम खो बैठा। और अनेक अनुचित कार्य करने लगा। उसने पहले संघ में मतभेद खड़े करने का कुचक्र चलाया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने तथागत को समाप्त करना चाहा। जब तथागत गृध्रकूट पर्वत पर विराजमान थे, तब देवदत्त ने उन पर एक शिलाखंड गिराया, परंतु उससे भगवान को कोई क्षति नहीं हुई। देवदत्त को संघ में मतभेद उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली और न ही वो भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजगृह मार्ग से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उसने उन पर एक मदमत्त हाथी छुड़वा दिया। प्रलयकालीन काले बादलों जैसा हाथी आंधी की तरह दौड़ता हुआ राजपथ पर आ गया। जो भी उसके मार्ग में आता वो उसे मारने दौड़ता। चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर से शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे तथा उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगे, परंतु कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सकता था। तथागत की हत्या के लिए वो हाथी उसी ओर आ रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। अट्टालिकाओं से स्त्रियां और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु तथागत शांत और निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से ही मदमत्त हाथी को आते देखकर
उनके पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिष्य भाग गए, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते ही गए। उनके पीछे पीछे केवल उनके परम शिष्य आनंद चलते गए। जैसे वस्तु की प्रकृति वस्तु के साथ रहती है, वैसे ही आनंद उनके साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मदोन्मत्त हाथी एकदम शांत और स्वस्थ हो गया और वो भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। भगवान ने उस हाथी का स्पर्श किया और उसे उपदेश दिए। हे गजराज, निरपराध प्राणियों की क्यों हत्या कर रहे हो? उससे तो दुख ही होगा, किसी को कष्ट मत दो। तथागत को देखकर और उनके उपदेश सुनकर हाथी ने शिष्य के समान उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों ओर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी वो और भी दृढ़ हो गई। राजमहल की अट्टालिकाओं पर खड़े सम्राट अजातशत्रु ये सब देख रहे थे। उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया और उनमें सम्राट अजातशत्रु का पूर्ण विश्वास हो गया। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश और विजय कुमार सिन्हा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।